गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पेपर्स सेकंड पार्ट सेकंड की क्लास है। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम अभी, है ना। पेपर हमारा सेकंड कौन सा है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अभी तक हम फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमने फैट्स में कहाँ तक देख लिया, उसके क्लासिफिकेशंस देख लिए हैं, है ना। तो अब हम क्या देख रहे थे कि फैट्स के जो क्लासिफिकेशन है ना, उसमें हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट देख रहे थे मिसेलिनियस लिपिड्स के बारे में। तो जिसमें हमने स्टीरॉयड, टेरपेनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स के बारे में हमने कल देख लिया था। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉयड्स कौन से होते हैं, ऐसे फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्टेरॉल्स होते हैं, और जिनका एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, कोलेस्ट्रॉल। फिर टेरपेनॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो टेरपेनॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोपेरेनॉइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नेचुरली ऑकर्ड होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं उनमें से नेचुरली ये हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरेटिनॉइड्स की, तो कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं, येलो का तरह येलो या रेड पिगमेंटेड कैरेनॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कैरोटीन्स और एक्सोथेनोफाइल्स, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा था, हम बात कर रहे थे फैटी एसिड्स के बारे में। फैट्स में फैटी एसिड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम फैट्स के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड्स की, या हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की, तो उसमें सब दूर क्या आता है आपका, फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम थोड़ा सा फैटी एसिड्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि फैटी एसिड्स क्या हो रहे हैं, है ना। तो आज हम थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, फैटी एसिड्स जिसमें अमीनो एसिड्स भी कंटेन हो फैट्स के साथ में, कुछ एसिड्स के कॉम्बिनेशंस हो, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन हो जो मिलकर के क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं। जब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स में हम बात कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं। जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला जैसे हम देख सकते हैं CH3CH2NCOOH, है ना, ये फैटी एसिड्स का, यानी कि उसमें एक मीथेन ग्रुप भी है साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ रहा है ना। तो वो कैसे होंगे, जिसमें कोई एक चेन के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा ही होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फैटी एसिड्स कहलाएगा। इसमें दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, टू टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हम बात कर चुके हैं, है ना। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा होगा, CH3 CH2 CH2, कार्बन हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें सिंगल चेन के साथ में ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो CH है वो डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है CH2 के, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड्स हो जाते हैं, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हो जाते हैं जो डबल बॉन्ड्स के साथ जुड़ते हैं। इसको कई बार क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड में MUFA, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड मोनोअनसैचुरेटेड
फैटी एसिड्स जो इंक्रीज हो जाते हैं हाई पी डी वन की वजह से। HT1 या इसमें एक और होते हैं, हम अभी बात करें अनसैचुरेटेड में एक और होते हैं जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड CH फिर अगेन सिंगल डबल बॉन्ड CH CH अगेन डबल बॉन्ड CH और OOH लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जैसे हम इसको लिख लो पहला और इसको लिख लो दूसरा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये होगा PUFA। PUFA मतलब कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसको जो कि क्या होते हैं डिक्रीज का होते हैं डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड है ना। देखो इसको मोनो अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड है ना, एक अकेला ही डबल बॉन्ड है इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम चीज़ों को उतना ज़्यादा चीज़ें हाई होती जाती है। जैसे जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे पजल्स होती है, कुछ सिंपल पजल्स होती है, कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलो कि डिफ़िकल्ट पजल्स होती जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती बड़ी बड़ी पजल्स होती है ना, वैसे ही हम इनको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल चेन्स हैं ये भी एक तरीके से कुछ सिंपल चेन्स होती है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड होती है उनको हम जनरली पॉली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनका ब्रेकडाउन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो जो MUFA है यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो क्या है, उसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसके लिए इसको तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं PUFA की यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा, देखो इसमें तीन डबल बॉन्ड है, 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड्स के साथ, और जहाँ 3 4 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना और मुश्किल होता है ना। जैसे हम साइनाइड की बात करते हैं तो साइनाइड क्या होता है, एक तरह का जहर होता है, लेकिन कार्बन के साथ में वो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। नाइट्रोजन किसके कैसा होता है, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। तो नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसी के साथ जुड़ता है तो यानी कि उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं जो साइनाइड होता है वो आदमी हल्का सा ज़बान पर रखते से मर जाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और उसका ब्रेक डाउन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फैटी एसिड्स में और देख लेते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अलावा हम बोल सकते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी। इनमें कुछ इनके एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। एसेंशियल, दूसरा नॉन एसेंशियल। चलो पहले बात करते हैं एसेंशियल के एग्जांपल की। एसेंशियल फैटी एसिड्स में क्या क्या आ जाते हैं, लाइनोलिक लाइनोलेनिक एसिड,
और दूसरा आ जाता है लाइलोनिक लाइनोलिक लाइनोलेनिक और लाइनोलेलिक लेक सॉरी लाइनोलेक। अब बात करते हैं जब नॉन इसेंशियल फैटी एसिड की, जिसके अंदर इसके एग्जाम्पल है पैमिटिक या पाइमिटिक एसिड, ओलिक एसिड और तीसरा ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटीरिक एसिड, है ना। ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड्स के दो एग्जाम्पल हो गए, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स के ये तीन एग्जाम्पल हो गए। पाइमिटिक, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, हमारा फैटी एसिड्स यहाँ तक हो चुका है, हमारे फैट्स हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल लिपिड्स की इम्पॉर्टेंस क्या होती है ना, क्योंकि लिपिड्स का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी तो है ही, तो हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस देखते हैं। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। जब हम बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स और फैट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें लिपिड्स का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, क्या क्या कर सकता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं पैलेटेबल एंड स्टोरेबल। टू, अनलिमिटेड अमाउंट। पैलेटेबल यानी स्टोरेबल, यानी कि हम उसको कैरी कर सकते हैं। पैलेटेबल यानी कि हम उसको पैलेटेबल एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में पैलेट करके और स्टोर करके एक अनलिमिटेड अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। हाई एनर्जी वैल्यू 25% ऑफ बॉडी नीड्स प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम देन
कार्बोहाइड्रेट्स। एंड प्रोटीन। सप्लाई द एसेंशियल फैटी एसिड्स। सप्लाई द बॉडी विद फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स। जब हम विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स भी दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल एक फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। देखो हाई एनर्जी वैल्यूज़ की कितनी होती है, दूसरी जगह अब फैट्स जब भी ब्रेक डाउन होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, तो हाई एनर्जी वैल्यूज़ की कितनी होती है, 25% ऑफ बॉडी नीड्स, यानी कि बॉडी की नीड के 25% के अकॉर्डिंग इसकी हाई एनर्जी देता है, प्रोवाइड मोर एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी देते कैसे, क्योंकि फैट्स क्या होते हैं, फैट्स में बहुत कॉन्जुगेटेड इनका स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इनके इनका स्ट्रक्चर की, तो इनके स्ट्रक्चर के इनके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है उस कॉम्पोनेंट्स का जो स्ट्रक्चर है उनकी वजह से इसमें हाई एनर्जी होती है ना, क्योंकि क्या होता है फैट्स के अंदर प्रोटीन के भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा हाई एनर्जी सॉल्वेंट या हम बोल सकते हैं फैट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ इसेंशियल फैटी एसिड जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और सप्लाई क्या करते हैं, बॉडी द बॉडी विथ फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, यानी कि बॉडी में फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की तो हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फैट्स हमारे शरीर के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं ना, हमने उनका स्ट्रक्चर देख लिया है, वो कितने टाइप के होते हैं वो देख लिया है, उनके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या है, किस किस टाइप के फैट्स होते हैं वो देख चुके हैं। तो अभी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है देखना, हमारे लिए समझना है कि ये एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, करेक्ट।